एक टीयर वन कॉलेज है और एक टीयर थ्री कॉलेज है, इन दोनों कॉलेज के बीच में एक गैप है कि यार यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पर कम अपॉर्चुनिटीज है, इस गैप को फिल कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब मैं टॉप एमएनसीज की बात कर रहा हूँ, जैसे अमेजोन हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो वहां पे आपको ऐसे ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिनके कॉलेज का नाम भी आपने सुना नहीं होगा, ठीक है, उसमें एडमिशन लेना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो मिसकंसेप्शन बना ना यार कि सिर्फ IIT या टीयर वन वाले ही जाएंगे, तो हेलो जी, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर, और इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो तो आपको पता लग गया होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार किसी भी कॉलेज को टीयर थ्री क्यों बोलते हैं। तो इसमें दो फॉल्ट होते हैं यार, एक तो कॉलेज का फॉल्ट होता है और एक स्टूडेंट्स का फॉल्ट होता है। सबसे पहले कॉलेज की क्या क्या दिक्कत होती है यार कि वो आपको अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, क्लासरूम उतने अच्छे नहीं है, फैकल्टी जो है वो उतनी हाईली ट्रेंड नहीं है, ठीक है, मेस का खाना अच्छा नहीं है, वो तो किसी का बेचना होता, और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में भी कुछ खास हेल्प नहीं कर पा रहे आपके, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ ना यार कि स्टूडेंट्स में क्या फॉल्ट है टीयर थ्री कॉलेज में, तो यार उनका जो माइंडसेट होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, मतलब बिल्कुल भी कॉम्पिटेटिव नहीं होता, तो उनके मतलब एक तरीके से उस कॉलेज को टीयर थ्री बनाए रखने में वो स्टूडेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें थी यार जिससे आपका कॉलेज जो है वो टीयर थ्री है, एक आपका कॉलेज आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सेकंड आप खुद भी उतना एफर्ट नहीं मार रहे हो ना अपनी ग्रोथ में ना कॉलेज की ग्रोथ में, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो यार, बीटेक के स्टूडेंट हो या बीसीए के हो, बीएससी के हो, ठीक है, तो उस केस में कुछ कॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यार, कोई अपनी पर्सनल ग्रोथ ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, कोई चाहता है कि यार मतलब अपना इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे, ठीक है, और किसी को हायर स्टडीज करनी है, तो ऐसे मतलब हर किसी का अलग अलग गोल्स होते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो, अपन इसको तीन गोल में डिवाइड कर सकते हैं यार, ठीक है। पहली चीज कि आपको जॉब या प्लेसमेंट चाहिए, सेकंड चीज कि आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, तीसरी चीज कि यार आप चाहते हो कि यार मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाऊं, अपना खुद का बिजनेस हो मेरा, कोई स्टार्टअप वगैरह, या फिर मैं एक फ्रीलांसर बन जाऊं, ठीक है, मतलब मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, जो भी करना है मुझे अपने दम पे करना है, ठीक है। तो ये तीन गोल्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी तीनों चीजें जो हमने डिस्कस किया, जॉब, हायर स्टडीज और आपका खुद का बिजनेस, ठीक है, यही वो गैप है जो आपके टीयर वन में और टीयर थ्री में आ रहा है, ठीक है। पहली चीज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार यहाँ प्लेसमेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, प्लेसमेंट लगेगी कहाँ से। सेकंड चीज क्या, मेरा कॉलेज अभी वाला इतना खराब है, मतलब कैसे मैं हायर स्टडीज कर पाऊंगा किसी रेप्यूटेड कॉलेज से, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तीसरी चीज क्या, मुझे बिजनेस करना है यार, मैं इतने गंदे कॉलेज में पढ़ाऊंगा, मैं कहाँ कर पाऊंगा बिजनेस यार, है ना। तो ये तीन चीजें आपको लिमिट कर रही है। अब इस गैप को जो टीयर वन में टीयर थ्री में आ रहा है यार, इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। अब इस गैप को फिल करने के लिए 5 पॉइंट में डिविजन किया मैंने। पहली चीज यार, आप टीयर थ्री कॉलेज के स्टूडेंट हो और ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उतनी नहीं हो पाती है जितनी टीयर वन या टीयर टू कॉलेज में होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, आपके आसपास की जो सराउंडिंग है ना यार, आपके आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, ठीक है, कोई भी फाइट मारने को रेडी नहीं है कि यार मुझे ये चाहिए, ये मेरा गोल है, अब इसके लिए फाइट मार के मैं इसको अचीव करूं, कोई फाइट नहीं मार रहा है, जितना भी सबको डिस्करेजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, अंदर से आग लेके आनी है यार कि अगर हाँ मुझे ये चीज करनी है तो मुझे इस पे एफर्ट मारना है, डायरेक्शन मुझे मिल जाए तो उस डायरेक्शन में मैं एफर्ट मार के निकाल लूंगा। तो एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट जो आपके अंदर आ जाएगी ना यार, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी ग्रोथ होनी होनी है पक्की, ठीक है, और जो लोग पहले फाइट नहीं मार रहे थे वो भी फाइट मारेंगे, आपके आसपास का एनवायरमेंट जो है कॉम्पिटेटिव बन जाएगा, जिससे ओवरऑल ग्रोथ आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो है स्किल्स। अब आग तो आपने भर ली अंदर कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, पर सामने वाले को दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि आप चीते हो, और चीते बनने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो आपको अपनी स्किल्स पर मेहनत करनी है। अब वो स्किल्स आपकी टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती है, मार्केटिंग स्किल्स भी हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकती है, तो बेसिकली आपको अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि भाई ये जो बंदा बैठा ना ये चीता है, ठीक है, आग आ चुकी है, अब स्किल्स पे एफर्ट मारो। थर्ड और बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कनेक्शंस बनाना, ठीक है। मतलब जो चाणक्य बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि कनेक्शन बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। तो अगर आप किसी मार्केट में घुस रहे हो, कुछ लोग होंगे जो पहले से वहां घुस चुके हैं, तो आपको उनसे आइडिया लेना चाहिए कि यार यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें करूं जिससे मेरा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भैया मेरा एलुमनाई नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, लोग उतनी ऊंची जगहों पर, उतनी बड़ी जगहों पर नहीं बैठे हुए, तो मैं किसको अप्रोच करूं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपने कॉलेज वालों को अप्रोच करो, और लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो, 50-60 लोगों को अप्रोच करो आराम से, उनमें से एक बंदा भी अगर मान जाता है तो विन विन सिचुएशन है यार, ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे, जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाओगे, बहुत बहुत सही रहेगा। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है यार जिसमें मतलब कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने कनेक्शन बनाते जाओगे उतना आपका ही फायदा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो मैं अपने कोई अच्छे सीनियर को ढूंढूं, ठीक है, या फिर जिस चीज में मुझे काम करना है, जो मेरा गोल है, वहां के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को मैं ढूंढूं, या फिर जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, मतलब या फिर जो भी मेरा गोल है जो ग्रोइंग स्टेज में है, मैं उनसे बात करूं, उनसे चीजें सीखूं, ठीक है।
तो लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ, वहां पे बहुत बहुत टाइप के आपको लोग मिलेंगे, कनेक्शंस बनाओ और मतलब बहुत कुछ है सीखने को वहां पे। तो नेटवर्किंग वाला जो एस्पेक्ट है ना यार, वहां पे आपको चीते बनना है, बिल्कुल चीता आदमी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ठीक है, अगर आपको चीजें आती है, मान लो कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, आपको सारा टेक स्टैक पता है, कैसे कैसे काम करना है, सब कुछ आपको आता है, बट अगर आप अपनी चीजों को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे इफेक्टिव वे में, तो उन चीजों के आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बोलना कैसे है, उन चीजों पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड बात होता है। लोग सोचते हैं कि यार मैं ऐसे पढ़ लूंगा, प्रेजेंट तो मैं जैसे मर्जी कर लूंगा। लोग आपको जज करने वाले हैं यार कि आप बोल कैसे रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो बंदा बैठा है उसके पास एक नेगेटिव है कि यार ये इस कॉलेज का बंदा है, आपको उस नेगेटिव को जो है दबाना है अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट से, कि हाँ मेरी टेक्निकल स्किल बहुत तगड़ी है, मेरी मार्केटिंग स्किल बहुत तगड़ी है, मैं कम्युनिकेशन स्किल में चैंप, चीता आदमी हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो उस नेगेटिव को दबाने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव चाहिए होंगे, है ना। तो प्रेजेंटेशन पे भी आपको काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ग्रो करोगे। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हायर स्टडीज। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी पड़ेगी। प्रोफाइल अच्छी करना है क्या मतलब, क्या क्या चीज उसमें आएगी। सबसे पहले तो आपको अपनी जीपीए जो है वो अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी, हाई जीपीए मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आगे जहां भी आप अप्लाई करने वाले हो वहां पे जीपीए तो डेफिनेटली आपका एक फैक्टर होने ही वाला है। सेकंड चीज पीओआर्स, अगर मान लो कि यार मुझे एमबीए के लिए जाना है, मैंने मन बना लिया है, कैट देना है, तो वहां पे मेरा पुराना एक्सपीरियंस क्या, मेरा पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, मैंने कुछ इवेंट्स कराए सोसाइटीज में था क्या, फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कराया क्या, कुछ पार्ट था क्या। तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस केस के लिए, हायर स्टडीज के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर एक और चीज की जो होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो उसके लिए आपके जो रिलेशन है, आपके जो ताल्लुकात है आपके प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर साहिबा के साथ, तो वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उस केस में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा बना के रखना उनके साथ। ठीक है, तो ये आपका हायर स्टडीज वाला पॉइंट हो गया। सबसे पहली चीज क्या थी हमारे पास, कि आग होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस चेंज करना है, माइंड सेट चेंज करना है। सेकेंड चीज स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा चीते बनोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, कनेक्शंस बनाने हैं मुझे। फोर्थ पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत काम करना है, जितना इफेक्टिव होगा उतना मजा आएगा। लास्ट हायर स्टडीज के अगर हो तो ये चीजें तुम्हें चाहिए होगी। ठीक है, तो यार अभी टाइम है तुम्हारे पास यार, अभी 4 साल 3 साल तुम्हारे कॉलेज के बचे हुए हैं, तो अभी से कुछ कुछ दिमाग में आइडिया सोचो यार कि हाँ यार ये छोटा सा बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में आया है, इसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ये मत सोचो कि यार मतलब सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब छोड़ो, बात की बातें हैं। छोटे स्केल में अभी से ट्राई करना शुरू करो, नो वन नोज यार, 4 साल बाद आप आके आईआईटी में जाके प्लेसमेंट लोगों को करवा रहे हो, आपकी कंपनी आप हायर करने जा रहे हो, तो अभी से कुछ कुछ छोटे छोटे इंप्लीमेंट करना ट्राई करो। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, तो सीखने को तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ चीजें कैसे काम करती है, तो ये भी अभी कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, प्रेशर उतना नहीं है, कोई फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो अभी आराम से ये चीजें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और जाते जाते यार दो पॉइंट फिर दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ के हर फेज में काम आएंगे। पहला पार्ट कम्युनिकेशन स्किल, बोलता कैसे भाई ये बंदा, तो बोलने का तरीका बहुत सही होना चाहिए, सामने वाला जो आपको जज मारने ही वाला है आप कैसे बोलते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना ही करना है। और सेकंड है मार्केटिंग स्किल्स, तो अपने आसपास अगर ध्यान से देखोगे ना यार, तो हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो इस सेंचुरी के अंदर अगर आपको कोई स्किल आनी चाहिए ना यार, तो वो है मार्केटिंग स्किल यार, ये आपकी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, किसी भी टर्म में हेल्प ही करने वाली है। अब बेचने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पेन ले भाई और गली गली में पेन बेच गया, ध्यान समझना इस चीज को कि मार्केटिंग स्किल किस बारे में बात कर रहा हूँ। हर चीज में मार्केटिंग स्किल लगती है यार, आपकी हर चीज के अंदर, तो दो चीजों पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल। ठीक है, और जाते जाते एक चीज और बता देता हूँ यार, कि Tier 3 नाम की कोई चीज नहीं होती, ये बस आपका माइंडसेट है, आपका थॉट प्रोसेस है जिसने सब चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी आपके लिए। आपको बस एक डायरेक्शन चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करने से आप Tier 1 वालों के भी ऊपर उठ सकते हो। ये था क्रक्स। ठीक है, तो जो पॉइंट्स बताए उन पर फोकस करना यार, और अभी तक वीडियो अगर देख रहे हो तो नीचे एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसको क्लिक कर देना। क्यों करना है, अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, मतलब अगर कोई वीडियो बना रहा हो और कोई सब्सक्राइब कर दे तो अच्छा लगता है। तो चलते हैं फिर यार इस वीडियो में, तब तक के लिए।